इस वक्त कश्मीर के हालात क्या हैं आंकड़ों की जुबान नेहा बताने। तो इस वक्त हम जम्मू कश्मीर विधानसभा में के भीतर मौजूद हैं और कुल 87 विधायक इस विधानसभा में हैं, जिसमें पीडीपी यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कुल 28 विधायक हैं और आपको बता दें कि बीजेपी के 25 विधायक इस विधानसभा में मौजूद हैं, जबकि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो 15 विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, कांग्रेस के 12 विधायक जबकि अन्य 7 हैं। यानी कि बहुमत के लिए जो मैजिकल फिगर है वो है 44 की, बहुमत के लिए चाहिए 44 विधायक। और ऐसे में जो तमाम समीकरण है वो हम आपको दिखा देते हैं, 3 वैकल्पिक स्थितियां बन सकती हैं। ऐसे में जब बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया है मुफ्ती सरकार से, पीडीपी से, तो पीडीपी क्या कर सकती है? 28 विधायक उनके पास हैं कुल, अगर पीडीपी कांग्रेस से हाथ मिलाती है, कांग्रेस के पास 12 विधायक हैं, तो कुल विधायक हो जाते हैं 40, यानी कि 4 अन्य का सपोर्ट उन्हें चाहिए होगा बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए। 44 विधायक कुल चाहिए बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए। ऐसे में ये एक वैकल्पिक स्थिति हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। चलिए अगली वैकल्पिक स्थिति की बात कर लेते हैं। अगर पीडीपी यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिनके पास 28 विधायक हैं, 28 सीटें हैं, वो हाथ मिलाती है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनलाइकली स्थिति, यानी कि ये घोर विरोधी रहे हैं लंबे वक्त से, और 15 विधायक अगर एनसी के पीडीपी में जुड़ जाते हैं तो कुल मिलाकर 43 सीटें हो जाती हैं पीडीपी के पास, यानी कि अन्य की ज़रूरत उन्हें एक विधायक तक चाहिए होगी 44 का आंकड़ा पहुंचने के लिए। अब तीसरी वैकल्पिक स्थिति यानी कि बीजेपी के लिहाज से अगर सोचा जाए तो बीजेपी के पास कुल 25 विधायक हैं, 25 सीटें हैं, अगर बीजेपी हाथ मिलाती है नेशनल कॉन्फ्रेंस से यानी कि एनसी से, तो कुल मिलाकर 40 का आंकड़ा वो पहुंच जाती है, यानी कि 4 अन्य के समर्थन की उन्हें ज़रूरत पड़ेगी इस मैजिकल फिगर तक पहुंचने के लिए, बहुमत तक पहुंचने के लिए। 3 वैकल्पिक स्थितियां, हालांकि जो मौजूदा स्थिति दिखाई दे रही है उससे यही लगता है कि जो गवर्नर्स रूल है यानी कि राज्यपाल शासन, वो लागू होगा अगले 6 महीने तक जम्मू कश्मीर में, और इसकी मांग भी लंबे वक्त से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से की जा रही है।